ज्वाली प्रशासन ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 6 क्वारंटाइन सेंटर खोलने के लिए कुछ भवन व स्कूल चिन्हित किए हैं, जिनमें पहला क्वारंटाइन सेंटर ढन में स्थित निरंकारी भवन में शुरू कर दिया गया है। इसमें अभी बाहर से आए 27 लोगों को रखा गया है। SDM ज्वाली सलीम आजम ने बताया कि जो भी व्यक्ति बाहरी राज्यों से हिमाचल में दाखिल होगा, उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। ज्वाली में क्वारंटाइन के लिए स्कूल कॉलेजों के साथ साथ कुछ धार्मिक संस्थाओं के भवनों का अधिग्रहण किया गया है, जिनमें करीब 1400 लोगों के रखने की व्यवस्था की गई है। SDM ज्वाली सलीम आजम ने बताया कि क्वारंटाइन में रखे गए लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के लिए मास्क व सैनिटाइजर के साथ साथ तीनों समय की बेहतर भोजन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती लोगों का सुबह व शाम हेल्थ चेकअप भी किया जा रहा है। SDM ने कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती भी रहेगी। उन्होंने कहा कि इलाके में रह रहे करीब 700 प्रवासियों को 3 या 7 दिन का कच्चा राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें, और जो लोग बाहरी राज्यों से आकर सीधे अपने घरों में घुस रहे हैं, उनके बारे में प्रशासन को जानकारी दें। हमारे सब डिवीज़न में हमने जो अक्यूपाई किए हैं, रिक्विजिट किए हैं, वो 6 किए हैं, और जिसकी कैपेसिटी आलमोस्ट 1400 के करीब है, जिसमें 1400 लोगों को, पेशेंट्स को हम रख सकते हैं। फिलहाल जितने हमारे पास आए हैं, जैसे कल हमारे पास 23 के करीब लोग आए हैं सस्पेक्टेड, जो कि पैदल चल रहे थे या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे थे, उनको हमने यहाँ पे रखा है। कल से इसको शुरू किया है और आज 4 और आए हैं, तो 27 के करीब हैं, और इनको पूरी फैसिलिटी दी जा रही है एज़ पर द SOP। जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जा रहा है, और इनको सारी जो रहने के लिए जो सुविधा है और जो मास्क है या फिर सैनिटाइजर है, ये सारा जो है उपलब्ध कराया जा रहा है, और 3 टाइम इनको खाना दिया जा रहा है। प्रॉपर संबंध इनका प्रबंध जो है किया गया है। अगर लेडीज़ आती हैं, फीमेल आती हैं, तो फीमेल के लिए हम अलग से केबिन बना करके, फिलहाल तो हमारे पास एक लड़की आई है, उसके लिए अलग केबिन बना के और लेडी कांस्टेबल लगा करके हम उसकी पूरी सुरक्षा करेंगे। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती हैं लेडीज़, तो हम स्पेशल लेडीज़ के लिए अलग से ही क्वारंटाइन सेंटर जो बनाएंगे। सिटी चैनल के लिए ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।